हाय फ्रेंड्स, आई एम काजल। आई एम सागर। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं ऑटोमन एम्पायर के बारे में। एक वीडियो है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने सल्तनत उस्मानिया की हिस्ट्री पर बनने वाले किसी भी टीवी सीरियल को देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस्मानी थप्पड़ को तो बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों उस्मानी थप्पड़ कोई आम थप्पड़ नहीं बल्कि इतिहास में सल्तनत उस्मानिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक हथियार माना जाता है। एक ऐसा हथियार कि जिसकी मदद से सल्तनत उस्मानिया का सिपाही चंद लम्हों में ही अपने दुश्मन को खत्म कर दिया करता था। दोस्तों, उस्मानी थप्पड़ सल्तनत उस्मानिया की फौज की एक जबरदस्त टेक्निक थी, जिसका इस्तेमाल सल्तनत उस्मानिया के सिपाही जंगों में उस वक्त किया करते थे कि जब उनके पास किसी वजह से हथियार नहीं हुआ करते थे। उस्मानी थप्पड़ नाम का ये थप्पड़ इतना खतरनाक हुआ करता था कि जिसके भी एक बार पड़ जाया करता था वो एक लंबे वक्त तक के लिए जमीन से दोबारा नहीं उठ पाता था, बल्कि कभी कभी तो ये थप्पड़ इतना ज्यादा तेज हुआ करता था कि लगने वाले की या तो खोपड़ी चटक जाया करती थी या फिर उसकी गर्दन ही टूट जाया करती थी। हालांकि दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के हर सिपाही में ये काबिलियत नहीं हुआ करती थी कि वो उस्मानी थप्पड़ का सही तरीके से इस्तेमाल कर सके, क्योंकि दोस्तों इसको इस्तेमाल करने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत हुआ करती थी। उस्मानी थप्पड़ को मारते वक्त अपने हाथ को कोहनी के पास से नहीं मोड़ा जाता था, बल्कि पूरा हाथ कांधे तक सीधा करके इस तरह से मारा जाता था ताकि थप्पड़ में और भी ज्यादा ताकत पैदा की जा सके, और इसी वजह से इस थप्पड़ की आवाज भी दूसरे आम थप्पड़ों से कहीं ज्यादा हुआ करती थी, और थप्पड़ पड़ते ही आसपास में डर का माहौल फैल जाया करता था। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के जो सिपाही भी इस थप्पड़ को मारने का तरीका सीखते थे तो उनको हर दिन लगभग 2 घंटे तेल लगे हुए पत्थर पर अपने थप्पड़ को मारना हुआ करता था, और उनकी ये प्रैक्टिस कई सालों तक लगातार चलती रहती थी, और आखिरकार एक वक्त वो भी आ जाता था कि जब उनका ये थप्पड़ पत्थर पर मार मार कर इतना ज्यादा मजबूत हो जाया करता था कि उनके थप्पड़ की मदद से जंगों में कई बार लोहे का हेलमेट भी टूट जाया करता था। दोस्तों, उस्मानी थप्पड़ को एर्तुरुल गाजी और उस्मान गाजी सीरियल के साथ साथ सुल्तान अब्दुल हमीद पर बनने वाले सीरियल में भी दिखाया गया है। बल्कि दोस्तों, उस्मान गाजी पर बनने वाले सीरियल यानी कुरलुस उस्मान में तो इस थप्पड़ को कई बार दिखाया गया है। इसके अलावा दोस्तों, इतिहासकार लिखते हैं कि सल्तनत उस्मानिया के मशहूर हुक्मरान यानी सुल्तान मुराद चहारुम ने 1634 में 2 लोगों को यही थप्पड़ मारकर मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि दोस्तों उन दोनों लोगों ने सुल्तान मुराद चहारुम के वजीर आजम के ऊपर हमला किया था। यानी दोस्तों, ये बात तो क्लियर है कि सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान सिर्फ उस्मानी थप्पड़ की मदद से अपने दुश्मन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया करते थे। इसके अलावा दोस्तों, जब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया यानी आज के दौर के इस्तांबुल शहर को फतह किया था तो उसमें भी इस उस्मानी थप्पड़ ने सल्तनत उस्मानिया की फौज की हद से ज्यादा मदद की थी, क्योंकि दोस्तों जब हद से ज्यादा मेहनत करने के बाद उस्मानी फौज कुस्तुनतुनिया के मजबूत किले की दीवारों पर चढ़ने में कामयाब हो गई थी तो उस दीवार पर कम जगह होने की वजह से सल्तनत उस्मानिया की फौज अपनी तलवारें नहीं चला पा रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस दीवार पर अपने इन थप्पड़ों का इस्तेमाल किया था, और यकीनन उनके ये थप्पड़ उनके लिए इस जंग में हद से ज्यादा फायदेमंद भी साबित हुए थे। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। बहुत तो मतलब अलग वीडियो था, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अगर आप इस्लाम धर्म को मानते हैं। हाँ, और इस्लाम धर्म के है तो, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हथियार कहा जा सकता है जंग में, क्योंकि अगर कभी कभी हमारी तलवार टूट भी जाए जंग में तो हम इस थप्पड़ का यूज कर सकते हैं, पर ये अभी के लिए नहीं है, उस समय के लिए था। लेकिन उस समय भी इस थप्पड़ को बहुत पॉपुलर था, और इसको मतलब हमारी कला बनाने के लिए
कितनी सारी मतलब कष्ट उठाने पड़ते थे बहुत कि सालों तक तेल लगे पत्थर को पत्थर ही पर। मारना पड़ता था, तभी वो पत्थर इतना डेंजर हो जाता था कि अगर इंसान के हाथ पत्थर नहीं, हाथ। हाथ हाँ इतना मतलब मजबूत हो पत्थर जाता भी था कहा जा कि सकता है उस समय के जो उस्मानिया हाथों हाथ थे उनको। हाँ कि अगर एक इंसान को पड़ जाए तो उसकी मतलब खोपड़ी खोपड़ी ही बाहर आ जाती है। बाहर नहीं और टूट हाँ टूट मतलब जाती बाहर ही आ जाती थी थी। और गर्दन भी टूट जाती थी, तो हाँ पहली क्योंकि बार ये सब पहले पता जो चला लोग थे है। उन लोगों के हाथ बहुत मजबूत थे। ये तो सुना है लेकिन ये हाथ मतलब और उस मजबूत हाथ को और मजबूत करते थे प्रैक्टिस करके। तो मेरे ख्याल से ये जो थप्पड़ है इसका उपयोग उन्होंने बताया ना बहुत सारी जगहों पे, किया या है। और एक और बार तो दीवार को तोड़ने के लिए भी उस थप्पड़ का यूज़ किया गया। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने किया होगा इसके उस थप्पड़ का उस दीवार को तोड़ने के लिए उपयोग। यूज़ किया होगा हाँ लेकिन फिर भी इस थप्पड़ को मतलब ऐतिहासिक ही कहा जा सकता है क्योंकि इस थप्पड़ का बहुत। इस्तेमाल बहुत सारे ड्रामाज में भी किया गया है। तुगल गाजी और हाँ अभी जो ऑटोमन एम्पायर के ऊपर उस्मानिया सल्तनत का जो कुर्लुस शो कुर्लुस उस्मानिया है उस्मान जो शो आ रहा है ड्रामा तो उसके उसमें भी उल्ट। किया गया है। तो और इस इससे पता चलता है कि उस समय का थप्पड़ भी इतना पॉपुलर है क्योंकि वो इतना जानलेवा ही था। क्योंकि उस समय उनके पास ज़्यादा हथियार नहीं थे और नहीं मेरे ख्याल से क्योंकि हथियार तो होंगे पर इमरजेंसी के लिए या बहुत अच्छा सबसे उपाय था। अच्छा हथियार कहा जा सकता है इस थप्पड़ को। और अगर किसी को मतलब बिना वजह ही मार दिया तो मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाता होगा। बिना वजह कोई नहीं मारता। मतलब मजाक मजाक में अगर कोई ऐसा मार दे तो भी मतलब दोस्त को भी हम कभी कभी मारते हैं, लेकिन इतना हाथ मजबूत होगा। उस समय के सिर और भी मजबूत होते होंगे ना फिर। हाँ तो आजकल तो सब आजकल नहीं इतने हाइब्रिड बोलते हैं मतलब ना आजकल। हमारे हमारा डी में हाइब्रिड जमाना है। हाइब्रिड, क्योंकि खाना पीना और सब वैसे हाइब्रिड रहन है। सहन और वातावरण जो पोल्यूशन है वही ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए लोगों में ताकत ही नहीं है कोरोना से लड़ने की भी नहीं है। मतलब कोरोना इतनी बड़ी बीमारी भी नहीं है कि वो हमारे लिए उससे, नहीं है बाकी के लोगों के लिए है क्योंकि क्योंकि वो वो कम इम्यूनिटी उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं है स्ट्रांग जो नहीं उसे है झेल सके। तो तो उस समय तो अगर कोरोना आया भी होगा तो भी किसी को पता नहीं चला होगा, सबको सर्दी हाँ बुखार या जुकाम होके चला गया होगा। उस वक्त के लोग तो मतलब बहुत अच्छे होते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती स्ट्रांग थी। होती थी। और आजकल हम खाना पीना ही ऐसा है तो हम तो क्या कर सकते। तो वीडियो बहुत ही अच्छा था, अलग था थोड़ा सा, तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे।